हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग ठीक ही होंगे और गाइस मैं भी ठीक हूँ। गाइस आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वह एक मंदिर की है जो कि हमारे गांव के थोड़ा सा दूर है और बहुत ही पुराना मंदिर है जो कि आप देखना वीडियो में। और मंदिर बहुत सुंदर और बहुत पुराना है, यहाँ की तालाब भी हुआ करता है और काफ़ी सारी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं देखने लायक। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि मैं आपके लिए हर चीज़ दिखा सकूँ वहाँ की। और ये मंदिर गांव के बाहर है जो कि जंगल में बना हुआ है और यहाँ मतलब दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, थोड़ा सा दूर है। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर कि कितनी दूर है, आप देखना। मैं गांव से भी दूर हूँ, आप ये देख सकते हैं। ये जो आपको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा नज़र आ रहा है ये गाँव है और जो कि आप देख रहे हैं दूर दूर तक कोई भी गाँव नहीं है यहाँ पर चारों तरफ। और मंदिर जंगल में स्थित है। तो फिर चलते हैं धीरे धीरे करके मंदिर की तरफ, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखना मंदिर। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि मैं आपके लिए हर चीज़ दिखा सकूँ मंदिर की। गाइस आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये कच्चा रोड है जो कि जिस रोड पर एक मैं जा रहा हूँ और सामने आपको ये जो पेड़ से नज़र आ रहे हैं ना, काफ़ी सारे मतलब पेड़ एक साथ हैं वहीं जिसके बीच में मंदिर स्थित है। और आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना मेरी। गाइस आप देख सकते हैं मंदिर का ये मेन गेट है, यहाँ से मंदिर के लिए अंदर एंटर करते हैं और देखते हैं आगे कैसी है। यह मंदिर गुलाकड़ी वाले बाबा के नाम से मशहूर है। दोस्तों ये जो बाबा हुआ करते थे उनकी मूर्ति है जिनके नाम पे ये मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर के चारों तरफ खेती होती है। और यह जो पेड़ आप देख रहे हैं ये बहुत साल पुराना पेड़ है जो कि मंदिर के जस्ट बराबर में है। आप देख सकते हैं यहाँ अभी मंदिर बन भी रहा है, काफी टाइम से काम चल रहा है मंदिर बनने का। और यहाँ साल में एक बार मतलब मेला का प्रोग्राम कराया जाता है जो कि तीनों गांवों की तरफ से होता है, जो कि मंदिर के और पास के जो भी गांव है वह सभी लोग मिलके यहाँ साल में एक बार मेला लगवाते हैं जो कि जुलाई के महीने में लगता है। आप देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर कितने सारे खेत हैं जो कि अभी फ़िलहाल फसल नहीं है इनमें, खाली पड़े हैं और किसी किसी में फसल है। और आप देख सकते हैं ये मंदिर है और ये जो वृक्ष देख रहे हैं आप बहुत साल पुराना है। गाइस अभी मैं आपको यहाँ का तालाब दिखाता हूँ जो कि बहुत साल पुराना है और लोग यहाँ पर पानी पिया करते थे इस तालाब में। अब तो खैर काफ़ी सारा मतलब बेल वेल होने की वजह से और नल वल भी लग गए हैं तो लोग पानी नहीं पीते हैं, पर पहले लोग यहीं पे पानी पिया करते थे। जो कि आपको मैं आगे की तरफ चल के दिखाता हूँ कैसा है यहाँ का ताल। और आप देख सकते हैं ये जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये ताल है यहाँ का, जो कि पहले लोग इसमें पानी पिया करते थे और पानी पहले बहुत साफ हुआ करता था। अभी फ़िलहाल पानी साफ नहीं होता, पता नहीं, पहले बहुत साफ हुआ करता था पानी। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा चारों तरफ, दूर दूर तक ताल ही है ये, क्योंकि लोग यहाँ पानी पी के पहले जब नल नहीं हुआ करते थे तब उस समय पानी पीते थे। आप देख सकते हैं गाइस ये तालाब कितना बड़ा हुआ करता था, आज भी ये काफ़ी बड़ा है पर अब तो लोगों ने यहाँ खेत वेत से काफ़ी मतलब छोटा कर दिया जो कि आप देख सकते हैं। और मंदिर ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये मंदिर के जस्ट पास में ही है और आप इधर की साइड भी देख सकते हैं यहाँ लोग खेतों में अपना काम धाम कर रहे हैं काफ़ी सारे लोग।
गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए हर रोज़ एक नई वीडियो लेके आता रहूँ। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।